हे गाइस, तो आप लोग भी ऐसा बर्थडे टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हो अपने पिक्सआर्ट और लाइटरूम के अंदर, तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम यहाँ से आप लोगों को 4x5 का फ्रेम ले लेना है। फ्रेम कहाँ पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके डाउनलोड कर लेना, और 4x5 का फ्रेम सेलेक्ट करके उसको गैलरी से पिक्सआर्ट में शेयर कर देना है आप लोग को। और यहाँ से सीधा आप लोग को चले जाना है ड्रॉ टूल के अंदर, क्योंकि हम लोग करते हैं ड्रॉ टूल के अंदर एडिट, क्योंकि ड्रॉ टूल में काफ़ी हाई क्वालिटी का एडिटिंग होता है। तो यहाँ से लेयर पैनल को ऑन करके एम्प्टी लेयर से ऐड फोटो कर लेंगे, और ये फोटो का मैंने बैकग्राउंड इरेज कर दिया है। और बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल के रखी है। हेयर एडिट, फेस स्मूथिंग, सारे चीज़ें सब देख लेना उसमें, आप लोग को काफ़ी समझ में आ जाएगा एकदम ईजी तरीके से। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, बट आप लोग को मतलब क्वालिटी मेंटेन करना है तो वो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक एम्प्टी लेयर मैंने क्रिएट कर लिया, यहाँ से ऐड फोटो कर लेते हैं। और ये बैकग्राउंड ऑलरेडी मतलब कोई बर्थडे का ही था, तो वो हम लोग यहाँ पे सेट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो मेन मेहनत था वो बच गया, बिकॉज हम लोग को बलून वगैरह का PNG यहाँ पे यूज़ करना नहीं है, तो हम लोग खाली यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगा लेना है। ये हाफ बैकग्राउंड के लिए है गाइस, यहाँ पे फुल फोटो आप लोग एडिटिंग कर सकते हो, बट आपको जो पीछे का वहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको फिर डील करना पड़ जाएगा। तो डील जैसे करना है वो स्नैपचैट में हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग बर्थडे का एडिटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जो बैकग्राउंड है वो ब्लर करना है। तो इफेक्ट टूल के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे लाइटनेस को जो लाइटनेस है उसको हम लोग कम कर देंगे, और यहाँ पे रेडियस जो है उसको कम कर देंगे। यहाँ से वापस से हम लोग ड्रॉ टूल में चले जाएंगे, क्योंकि ब्लर जो है हमारा डन हो चुका है, और ये इमेज को मैं सेव करके आप लोग को दे दूँगा। और यहाँ से वापस से हम लोग ऐड फोटो कर लेंगे। अब हमारे फ़ोटो को लगा के देखते हैं कि हमारा मॉडल फोकस में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो चुका है, तो हमारे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो या मॉडल हो वो काफ़ी फोकस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम सेट कर लेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को और एक PNG ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं मॉडल को मर्ज कर लेता हूँ, और ये एम्प्टी लेयर से ऐड फोटो करके हम लोग बलून्स जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे PNG ऐड करके ले लेंगे। ये बलून का मैं आप लोग को फुल वर्जन दे दूँगा यहाँ पे, जितना मैंने यूज़ किया है। कट आउट किया है तो कट नहीं मिलेगा आपको, पूरा मिलेगा। आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, प्लस आप लोग नेक्स्ट कोई अगर आप लोग का फोटो कंसेप्ट रहेगा तो उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेट कर लेते हैं इसको, क्योंकि जो भाई का जो टी शर्ट है वो ब्लू है और वाइट है, तो हम लोग ने जो जो बलून्स है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा मैच किया है, क्योंकि पीछे येलो दिख रहा था तो हमारे भाई क्योंकि थोड़ा जम नहीं रहे थे, ठीक है। तो बाकी हम लोग और एक ऐड फोटो कर लेते हैं, और यहाँ पे कन्फेटी ऐड कर लेंगे। तो ये कन्फेटी भी आप लोग को मतलब लिंक जितने भी यहाँ पे मैंने स्टॉक यूज़ किए सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाके गूगल ड्राइव से आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे फेस पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कन्फेटी आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आई बटन क्लोज कर लेता हूँ, और जो कन्फेटी के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको मैं यहाँ पे इरेज कर लूँगा। मेक श्योर आप लोग डॉट वाला जो ब्रश है उसको यूज़ करना जो हार्ड है, और यहाँ पे जहाँ पे आप लोग का फेस पे आ रहा है तो वहाँ पे आप लोग हल्का हल्का करके इरेज कर लो। और मैं यहाँ पे आप लोग सोचते रहो कि आई बटन से क्लोज करके क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिक्सआर्ट में अगर आप लोग ज़्यादा लेयर्स यूज़ करोगे तो पिक्सआर्ट मतलब आप लोगों को कितना भी प्रोसेसर रहने दो, रैम होने दो, उसमें पिक्सआर्ट हैंग होगा ही। तो अगर आप लोग लेयर क्लोज कर दोगे तो आप लोग को एकदम स्मूथली जो है आप लोग एडिटिंग कर सकते हो, ज़्यादा अटकेगा नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कन्फेटी को ऐड कर दिया है फोटो के साथ मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ से मैं वापस से ऐड फोटो कर लेता हूँ एम्प्टी लेयर क्रिएट करके। तो यहाँ पे जो फेड वाला शेडो है वो हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ ऐड कर लेंगे, ताकि नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हल्का डार्क होकर ऊपर से फेड हो जाए, ठीक है। उसको भी मर्ज कर लेते हैं, और एक हम लोग एम्प्टी लेयर क्रिएट करके यहाँ से वाइट लेंस लेयर का जो PNG होता है वो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। और आप लोग सोचते रहोगे कि वाइट लेंस लेयर का PNG क्यों यहाँ पे ऐड करना है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग को इफेक्ट डालना है, ठीक है, लाइट का। तो वो आपके मॉडल के टी शर्ट के ऊपर तक आना चाहिए और उठ के दिखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो लेयर ऐड कर लेते हैं, और उसको ही कॉपी कर लेंगे हम लोग ब्लेंड करके स्क्रीन करके, और इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरे जगह पे जहाँ पे लाइट का पोर्शन है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। तो दोनों जगह पे आप लोग देख सकते हो लाइट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, और ऊपर की लाइट ऑलरेडी हाईलाइट हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा लगता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, या साइड में भी हम लोग लगा सकते हैं, बट साइड में इतना मेरे को खास नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको आई बटन से क्लोज़ कर देता हूँ, बट यहाँ पे मर्ज नहीं होगा और मैं फ़ोटो सेव नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करके इसको उड़ा देता हूँ, और यहाँ से मैं सेव इमेज कर लेता हूँ। सेव इमेज करने के बाद हम लोग आ जाएंगे लाइटरूम के अंदर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक प्रीसेट दे रहा हूँ,
और प्रीसेट को आप लोग को जस्ट कॉपी करके पेस्ट करना है। तो ये वाला प्रीसेट है गाइस, इसके अंदर ऑलरेडी इफेक्ट्स मैंने डाल के रखे हुए हैं, जस्ट आपको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके अपनी फ़ोटो पे सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अगर आप लोग पेस्ट जब करोगे तो यहाँ पे देखो इफेक्ट जो है ना वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हर प्रीसेट हर एक फ़ोटो पे काम नहीं करता। तो उसमें आप लोग को जो बेसिक एडजस्टमेंट होती है वो आप लोग को चेंजेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो जो बैकग्राउंड था वो येलो कलर का था, बट अभी पीछे आप लोग को देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट और हल्का सा ऑरेंज टाइप का हो गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलर एडजस्टमेंट में आना है आप लोग को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो सेटिंग मैं चेंजेस कर रहा हूँ वैसा आप लोग सेटिंग चेंजेस करो, क्योंकि मेक श्योर हो सकता है कि आप जिनका बर्थडे फोटो एडिटिंग कर रहे हो वो सेम जो है वो ब्लू टी शर्ट नहीं पहने हुए, तो उसके हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से कलर टोन जो है वो चेंज कर सकते हो। बट इसके अंदर जो कुछ ऐसी सेटिंग्स मैंने इसमें करके रखा है, अगर आप लोग उसको ज़्यादा चेंजेस नहीं करोगे तो भी आप लोग का फ़ोटो जो है वो एकदम मस्त दिखेगा, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये फ़ोटो हमारा हो चुका है डन और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब मारो और लास्ट का एक रिव्यू देख लेना। मिलते हैं ऐसे किसी का इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना।